Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Raju Sharma and I am the founder of ASPD American Skills and Personality Development. Well, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे स्टूडेंट हमारे ऑफिस विजिट करें या फिर मेरे यूट्यूब कमेंट पे। और ये क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबल है कि फ्रांस इंटर्नशिप पे जाए और वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाए। तो आपको बता दें कि फ्रांस इकलौता ऐसा कंट्री है मेरे नज़र में, अभी तक हम जितने भी कंट्रीज़ पे इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं, फ्रांस इकलौता ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमने रियल में फ्रांस इंटर्नशिप से वर्क परमिट पे कन्वर्ट होते हुए देखा है। हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं। तो फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप अगर 6 मंथ्स इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, आप ये इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में जा सकते हैं, सेकेंड ईयर में जा सकते हैं और थर्ड ईयर में भी जा सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, आप अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करते हैं तो होटल आपको जॉब ऑफर देगी, पर आपको जो है वापस आके अपना एजुकेशन कंप्लीट करना होगा और कंप्लीट करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करें और वीज़ा मिले और फिर जाके आप जॉब कर सकते हैं। पर अगर आप थर्ड ईयर में आप अगर जाते हैं फ्रांस, आपको वापस आके एजुकेशन कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एग्ज़ामिनेशन ख़त्म करने के बाद जाएंगे और उसके बाद अगर आपको होटल जो है वर्क परमिट देती है तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आप बस इंडिया आएंगे फॉर वीज़ा पर्पस और जैसे ही आपको वीज़ा मिले आपको वापस जाके काम स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें क्या है कि आपको एजुकेशन कंप्लीट करने का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि वो आप पहले से कंप्लीट कर चुके हैं होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो इंटर्नशिप पे गए थे और अपने क्रेडिबिलिटी के ऊपर, अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको जॉब ऑफर मिला है और वो अभी फ्रांस में हैं। तो मैं कुछ का नाम भी आपको बता सकता हूँ, उदय है, पूर्णा है, अफरोज है, महिमा, अश्रिता और शिवम जायसवाल, रोहित धर, सोविक धर, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको हमने इंटर्नशिप पे भेजा था और वो अपने क्रेडिबिलिटी पे, अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे वर्क परमिट उनको मिला। आपको बता दें कि ये वर्क परमिट में हमारा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि हमने तो सिर्फ इंटर्नशिप पे भेजा था और इन बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि होटल इनको आगे और रखना चाहिए। और डिफरेंस क्या है हम आपको बता देते हैं। अगर आप इंटर्नशिप पे जाते हैं तो आपको 500 टू 600 यूरोस मिलता है और अगर आप वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको कम से कम जो होटल है वो 1400 से 1800 यूरो पर मंथ का जरूर पे करेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम होती है। आप फ्रांस वर्क परमिट पे ऐसे भी जा सकते हैं अगर आपको इंडिया में 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, पर इसके लिए आपको लाखों खर्च करने होंगे, आपकी जो एक्सपेंस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। पर अगर आप इंटर्नशिप पे जाके अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आपको वर्क परमिट मिलता है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और ऐसे सिचुएशन में हम भी स्टूडेंट से बिल्कुल चार्ज नहीं करते। अगर आपको वर्क परमिट मिला है इंटर्नशिप के बाद और अगर आप हमारे पास आते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन आपका करते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैंने जितनों का नाम लिया, अगर इनसे आप अगर सोशल मीडिया में अगर आप बात करें या इनको आप अगर जानते हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि हमने इनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, क्योंकि ये खुशी की बात है, हमने उनसे इंटर्नशिप पे पैसे ऑलरेडी कमा चुके हैं और दोबारा उनसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रांस में एक्चुअली में आप में से जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे हैं यूट्यूब कमेंट में, आप अगर देख रहे हैं ये वीडियो तो आपको पता चल गया होगा कि फ्रांस एक्चुअली एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर इंटर्नशिप के बाद वर्क परमिट मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा और जो लोग भी ये सोच रहे हैं, जो अभी फ़िलहाल थर्ड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, आप ये मत सोचिए कि हम इंटर्नशिप क्या करने जाएं। देखिए, इंटर्नशिप सिर्फ एक ज़रिया है, आप जाइए इंटर्नशिप कीजिए, परफॉर्मेंस अच्छा दीजिए और आपको स्टाइपेंड तो इस बीच में मिलेगी ही मिलेगी, और अगर वर्क परमिट मिलती है तो आप लॉन्ग टर्म जो है आप फ्रांस में रह के काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।